गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इन धार्मिक ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे। तो गाइज आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह के 8 बजे से, और 8 बजे हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हमारा बन चुका है नाश्ता। और दिखाते हैं नाश्ते में क्या बना है। तो सुबह के नाश्ते में बनी है हमारी आलू की सब्जी और पूड़ी। पीयू के लिए बने हैं सुबह सुबह फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि इसके लंच में जाने वाले हैं ये फ्रेंच फ्राइज। और फ्रूट में पीयू ले जा रही है बनाना। बाय। आगे बैठा हो? आगे बैठिए, ठीक है। बाय। तो जैसे मैं पीयू को पहुंचा के आई, इसके बाद मेरा झाड़ू पोछा हो गया और अब करूंगी नाश्ता। टाइम हो गया सुबह के 10। पूड़ी और आलू की सब्जी और मैंने बनाई है चाय। अब मैं करती हूँ नाश्ता। तो आज ना मेरा काम सारा खत्म हो गया 10:30 बजे तक, और घर का सारा काम कर लिया। फिलहाल अब है टाइम सिलाई का। तो ये एक साड़ी है, मैं इसका बना रही हूँ फ्रॉक सूट। ये साड़ी है पूरी, और इसका मैं बनाऊंगी अब एक फ्रॉक सूट, क्योंकि इसका कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है। इसको यूज नहीं करती साड़ी को, तो मैं इसको बनाऊंगी अब फ्रॉक सूट। ये अभी तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसको बनने में ना टाइम लग जाएगा, 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज बनाऊंगी, एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बनने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, और जब ये बन जाएगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फ्रॉक सूट कैसी ये बनी है करके। तो जी यहाँ पे हो गया है हमारे दिन का खाना बनाने का टाइम, और आज मैं बनाऊंगी पलिया मूली का। वैसे तो मैं कम खाती हूँ पलिया, लेकिन आज सुबह पे पूरी खा ली थी, तो थोड़ा सा मचाई जैसी हो रही है, इसलिए अब मैं बनाऊंगी ये। ऐसा होता है ना, जिस दिन कुछ खा लो तेल वाला चीज़ें या फिर व्रत होता है, उस दिन खाने का मन करता है पलिया। तो ऐसा ही आज कुछ है, तो मैं बना रही हूँ पलिया। और आज हमारे पास दही भी नहीं है, हम बनाएंगे मट्ठे में। ये गाँव से मट्ठा आ रखा है 2-3 दिन पहले, और मट्ठे वाली बनाएंगे। तो यहाँ पे बन चुका है मेरा पलिया। तो यहाँ पे चले गए अपना पीयू के लेने। सुबह आगे बिठा के आई थी मैं, और अभी वो पीछे बैठी होगी। आज सुबह खिड़की से देख रही थी, अभी देखती हूँ कहाँ बैठी है, खिड़की से दिख जाएगी। पीछे साइड से जाते हैं हम लोग। देखो आज मैम जो डांट पड़ी है, इधर देख, देखी कैसे रो रही है बड़ी बच्ची, देखी कैसे रो रही है। मेरे लिए चीज नहीं लाई करके, इसने बोला था मेरे को तू बाजार जाना और मेरे लिए लेके आना मांस मेलो। अब मैंने बोला इसको मैं बाजार नहीं गई थी, तो ये रोते रोते आ रही है। कौन करता है? तो यहाँ बन चुका है हमारा खाना, अब खाते हैं पलिया के साथ ना। घी बहुत अच्छा लगता है, आज घी और बाद में घी डाल के खाएंगे। छोटा डाल दिया जा। अपनी अपनी थाली उठाओ, हर्षित तू भी आ गया क्या?
अभी दिन के 2:30 हो रहे हैं और यहाँ पे बिना मौसम के बारिश हो रही है। अभी तक धूप थी, हल्की फुल्की धूप भी है और बारिश भी हो रही है।